हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर रेजिडेंट एविल 4 रीमेक गेम प्ले वीडियो। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हम एशले को बचा के विलेज से तो बाहर निकाल के इस कैसल में ले आए हैं, और लास्ट पार्ट में हमारा मुकाबला हुआ था एक बहुत ही बड़े शैतान से जिसका नाम था मैंडिस, और उसने लगभग हमको मार ही दिया था। बट वो तो भला हो, हमने एंड टाइम पे हमने उसको पटकनी दे दी। तो फिलहाल यहाँ पे इस कैसल में हम आ तो गए हैं, क्योंकि हमको पता है कि एशले के ब्लड में एक बहुत ही खतरनाक वायरस प्लागा है। और ये देखो भाई, वो क्या कर रहा है। एक सेकेंड। ओके, ओ भाई फिर से जिंदा हो गया। ओके, मर गया। मुझे लगा कि जिंदा हो गया फिर से। फिलहाल बूट नाइफ मिला एक। ओके, जो भी मिले कम ही है। और अभी मैं एक बार यहाँ पे देख लूँ, अगर मेरे काम का कुछ मिलता है तो मैं लेता हूँ और फिर बढ़ता हूँ आगे, क्योंकि एशले के बॉडी से वो वायरस यहीं से निकल सकता है। ऐसा मुझे लुइस ने बताया था कि वो ट्रीटमेंट जानता है इसका, कि कैसे निकालना है इसको। और फिलहाल इसमें थोड़ा बहुत पैसा वैसा मिल रहा है, तो जो हम ट्रेड करने के काम आएगा। तो दोस्तों, फिलहाल हम बढ़ते आगे फटाफट और ये दरवाजा खोल के चलते हैं। और ये कैसल बहुत ही खतरनाक है, और ये गेट तो बंद है, ये खुलने से रहा। तो दोस्तों, जब तक हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। मशीन गन एमओ, तो चीजें तो मिल गई हैं, और अब हमको आगे बढ़ना है। और ये देखो भाई, ये सब बहुत ही खतरनाक कैसल है। ओ, देख लिया इसने, और अपने साथियों को अटैक करने का ऑर्डर भी दे दिया है। तो मुझको जल्दी से अपनी स्नाइपर निकालनी चाहिए, और चल भाई जल्दी से रीलोड करके शॉट ले। और वो रहा, अरे भाई साहब हट जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे कवर लेना पड़ेगा, और कवर हम यहां पे ले सकते हैं। ओ भाई, एशले के पड़ गई। और ये देखो भाई, ये घुमा के फेंक रिया है। ओके, एक गया, और इधर भी थे। वोड़ा एक ऊपर। मुझे इस पे शॉट लेना है। ओ भाई, मैंने मिस कर दिया। और पहले तो मैं इसको मारूं, इसको तो मैं उससे मार दूंगा, पिस्टल से। ओके, तू निकल निकल बेटा। ऑलराइट, एक और है वहां पे कि निपट गया। है भाई, एशले तू छुप के रहे यार, निकल बेटा। दैट्स इट। और ऊपर और भी है भाई, लास्ट बुलेट है मेरे पास, और इसको मुझे मारना ही है। दैट्स इट, ये तो गया। और अब मैं अपनी गन अपने हाथ में लेता हूं, और मुझे जल्दी से बढ़ना चाहिए आगे। ओ ओ, आग फेंक रहे हैं ये लोग ऊपर से। और फिलहाल इधर कुछ है क्या? नहीं भाई, इधर कुछ नहीं है। जल्दी से बढ़ते आगे। और जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, हमारे लिए खतरा उतना बढ़ता जाएगा। ये देखो भाई, पूरा आग वाग फेंक के डिस्ट्रॉय कर रहा है वो। और भाई कहां पे था ये रहा, और ये है इनकी वो कैनन जिससे ये आग फेंक रहे हैं। ओ माय गॉड, कहां है वो? वोड़ा, मुझे अपनी ये गन लेनी चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ। और शायद वो मुझे दिख रहा है, वो फ्यूल कैन है, उसको अगर हम उड़ा सके। यस, उसको उड़ाते ही अपना काम बन गया। ओ भाई, एक यहां पे ये है, मर भी जा। ओके, दैट्स इट। ओ, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। ओके, ये तो गया, बट मुझको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये
अरे भाई कौन ले जा रहा तेरी तो भाई, आया लड़की को उठा के चलते बना, मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं यहाँ पे, पागल कहीं का। ऐसे ही लड़की को ले जाओगे? और भाई साहब ऊपर वहां से आ रही है आग, वो कहां से फेंक रहा है यार, और मैं देखता हूं कि कहां से ये फेंक रहा है आग। ओह भाई साहब, मैं ये गेट खोल सकता हूं क्या? इट्स लॉक्ड। अरे भाई ये गेट लॉक है। ओह ये आग कहां से फेंक रहा है भाई, मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा पहले। और इधर से रास्ता है, पहले मुझे कवर लेना पड़ेगा। और वो देखो वो रहा ऊपर, मैंने देखा कैसे तेरी तो, बहुत सही गया। और अभी हम आगे बढ़ सकते हैं और रिसोर्सेज वगैरह लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे हमको इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सही, मरा कि नहीं मरा? हाँ मर गया भाई मर गया। अरे अरे उठ रहा है, ओ गॉड कितना ज्यादा इन्होंने मतलब नरक मचा के रखा है। ओ गॉड ये कहां से फेंक रहा है, मुझे आग देखनी पड़ेगी। ठीक है मैं नीचे चल सकता हूं? नहीं चल सकता। ओ गॉड इधर से जंप करके हम नीचे तो आ गए हैं, बट ये देखो भाई कितनी बड़ी कैनन है, बट इस कैनन को हम यूज कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। हैंडगन एमो। तो दोस्तों हम इधर तक तो आ गए और यहां पे ये दरवाजा है, और देख के लग नहीं रहा कि ये खुलने वाला है यार। और ये क्या है, इसको खोल दे अगर। ओके तो ये कैनन ऊपर आ चुकी है, और अब इस कैनन का क्या करना है वो मुझे देखना है। मैं ऊपर चलूं क्या? फिलहाल तो मुझे आगे बढ़ना है। ये देखो यहां पे सीढ़ी है, तो मैं इससे ऊपर जा सकता हूं। तो चलो भाई फटाफट चलता हूं। ओ भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक मामला हो रखा है। और ये देखो कहां से चला रहा है, वो रहा सामने। अरे भाई साहब ऊपर से कहां से आग आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं इसको तोड़ू, आगे बढ़ता हूं। और ये देखो एक बंदा यहां पे है। मैं अपनी मशीन गन क्यों एमो वेस्ट कर रहा हूं? अरे अरे कहां लड़की को लेके चल दिया, पागल कहीं का, मैं जैसे यहां हुई नहीं। भाई साहब कितनी तेजी से आ रहे हैं ये लड़की को लेने। और भी कोई है? और वो सामने उधर कैनन की लगी हुई है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलो भाई इसको यूज करते हैं। और ये कैसे यूज करना है मुझे नहीं पता है। ये भाई यूज होगी भी? यस यूज कर सकते हैं। और वो देखो भाई बहुत सही। जबरदस्त है। और तेरा क्या होगा रे कालिया, और कोई भाई का लाल है? आई थिंक इनका बैंड बज चुका है अच्छे से। तो चलो भाई देख लेते हैं, घूम जा घूम जा। यस ये देखो भाई ये गेट भी हमने तोड़ दिया। सो बॉयज अब जल्दी से चलते हैं और एक बार और देख लू दुश्मन वगैरह हो तो उनकी भी बैंड बजा दें। ओके वो क्या मिलने वाला है और हमारा सामना किससे होने वाला है? अपने पास एमओ वगैरह बहुत कम है, लिमिटेड सोर्सेज है, और उन्हीं से हमें काम चलाना पड़ेगा। तो चलो भाई लोग फटाफट चलते हैं और इनमें सब जो मिलता है वो सब मैं लेके आगे बढ़ता हूं।
ओके, और कुछ है यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो कि कुछ और बचा है. और ये क्या है भाई? ये कुछ तो है. ब्लू मैंडलिंस हैव स्ट्रंग. ओके ठीक है, बाहर में जाओ. ये दरवाजा खुलेगा? यस, ये दरवाजा खुल चुका है और अब हम इस कैसल के काफी अंदर तक आ चुके हैं. और यहाँ पे ये देखो, ये ट्रेडर है. तो फिलहाल इससे ट्रेडिंग वगैरह करके फिर बढ़ेंगे आगे. कौन मिलने वाला है और ये कौन है? ये लेडी कौन है? आई थिंक ये इनकी मेन वाली विलेन है. वो इसको मेरा नाम भी पता है. तो ये भी इसी लड़की को चाहती है और आई थिंक यही सबकी बॉस है क्या? Mr. Kennedy, how novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours. Oh, भाई, ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही अपनी औकात के हिसाब से. Your United States and the entire world shall overflow with his grains. That is the iron will of my master. इसका साइज देखो औरत का, पागल औरत. लॉर्ड सेडलर, मतलब ये भी चमची है. लॉर्ड सेडलर को ही है, वही मेन बॉस है इनका. Never. You are the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home now that he has chosen death. तो फाइनली इसने अपने चमचों को आदेश दे दिया है हमें मारने का. तो दोस्तों फिलहाल ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं. स्टोरी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. तो देखते रहे वी गेमर्स और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय.